नमामि धन्वन्तरि मादि देवं सुरासुरै वंदित पाद पद्मं लोके जरा दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितट नमस्कार, आयुष दर्पण डिजिटल ऐप के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये छोटा प्रमोशनल वीडियो आज हमने उन यूजर्स के लिए बनाया है जो ये जानना चाहते हैं कि आयुष दर्पण ऐप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में आप टाइप करें आयुष दर्पण डिजिटल और सर्च करें। सर्च करने पर आपको ऐप की लिस्ट में आयुष दर्पण डिजिटल ऐप मिलेगा, आप इसे डाउनलोड कर लें। चूँकि मेरे फ़ोन में ये ऐप पहले से डाउनलोडेड है, इसलिए मैं इसे ओपन करती हूँ। ऐप ओपन होने पर आपको लॉगिन सेटअप मिलता है, जहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है। आप अपना फ़ोन नंबर डालकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर यहाँ पर OTP प्राप्त होता है और आपका वेरिफिकेशन होता है। लॉगिन के समय पर आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप एज अ पेरेंट लॉगिन करना चाहते हैं या एज अ स्टूडेंट। तो वहाँ पर ये ध्यान रखिए कि आपको एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना है। साथ ही अगर आप आईफोन या iOS यूज़र हैं तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर माई इंस्टीट्यूशन ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड मिलता है आयुष दर्पण डिजिटल का TYNVU, ऑल लेटर्स आर इन कैपिटल। आप ये कोड एंटर करके और उसके बाद फिर आयुष दर्पण डिजिटल ऐप तक आप एक्सेस कर सकते हैं।
प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से स्वागत करता हूँ, सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। कृपया सब लोग म्यूट रखिए, घर का आवाज नहीं आना चाहिए। सभी लोगों का प्रणाम, मेरा प्रणाम सभी लोगों को, कोटि कोटि प्रणाम। अब हम लोग हाँ संभाषण शुरू करेंगे, उसके पहले मैं सबको म्यूट करता हूँ। जो लोग को बोलना है वो लोग ही अनम्यूट करिएगा जी। अब मैं सब लोग को अनम्यूट करता हूँ, जो बात करना चाहते हैं वही अनम्यूट करिए, बाकी सब लोग म्यूट करिए जी। तो डॉक्टर सबसे पहले हम किससे बात करें? डॉक्टर पूजा जी कैसी हैं आप? पूजा जी कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। डॉक्टर अश्विनी जी, डॉक्टर दीपाली काकड़े जी, दीपाली जी कैसी हैं आप? सुन हाँ सर, बहुत हाँ, प्रणाम सर। बृहत वास्का दी कशा है और नस्ते का क्या रिजल्ट आ रहा है? नहीं चालू किया सर। क्यों क्यों बिजी हैं? करना है, थोड़ा शिफ्टिंग चालू था थोड़ा घर का। अच्छा, और आपकी बेटी का पढ़ाई मंडे से चालू? बेटी का पढ़ाई शुरू हो गया एमबीबीएस का? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, उसका रेगुलर कॉलेज चालू हो गए जी। और आप ठीक हैं? आपका कोई केस बताइए, आपने कुछ सॉल्व किया है तो। एलोपैथी का भी बता, एलोपैथी का की भी केस सक्सेस स्टोरीज बता सकती हैं आप? मैं तो क्लिनिक गई नहीं 2-4 दिन से, वो शिफ्टिंग का थोड़ा चालू था ना इसलिए। अच्छा, ठीक है, आपको जब मन करे तब बताइए। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर मुनीश शर्मा जी, मैग्निफिसेंट मुनीश शर्मा जी, आप कैसी हैं? प्रणाम सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ। आपको दवाई मिल गया? नहीं सर, अभी नहीं मिला है। अच्छा, आपके कुछ केसेस बताइए, आपने कैसे पेशेंट देखे, क्या अनुभव आया, कुछ बताइए आप। यस सर, मैंने ना स्किन का अभी एक न्यू केस देखा है, हिड्रा डेंटाइटिस सपोर्टिवा जी। उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो आपके स्वेट ग्लैंड है उसमें जो है ना सर ब्लॉकेज हो जाती है जी। तो अगर वैसे दूसरे तरीके से उसकी पैथोफिजियोलॉजी देखो तो बहुत लंबा चौड़ा है, और उसमें वो ये बोलते हैं कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है और जो है पेशेंट को ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। मतलब क्या रहता है आयुर्वेद के टर्म से बताइए ना कि क्या क्या? हाँ यस सर, वही मैं बता रही हूँ। बट मैंने क्या किया, क्योंकि लास्ट टाइम जैसे आपने भी समझाया था कि जो भी डायग्नोसिस करना है वो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग करना है, तो मैंने फिर वो सारे उसके वो स्रोत और आम दृष्टि वो सर उसी तरीके से फिर मैंने ना उसका डायग्नोसिस बनाना शुरू किया। तो जब मैंने डायग्नोसिस में देखा तो उसमें सारे कॉज मिले। एक सेकेंड सर, मैं आपको अभी थोड़ी देर में, ठीक है ठीक है, अभी आएंगी मैम। डॉक्टर रमन गर्ग जी, आप कहाँ थे? रमन जी आपकी बहुत याद आ रही थी। प्रणाम सर, कहाँ थे? आपको कल पवन जी भी ढूंढ रहे थे, सब लोग ढूंढ रहे थे। सर मैं यही होता हूँ, मैं सुनता हूँ आपको, बड़ा मजा आता है, रोज सुनता हूँ, अभी मिस नहीं किया मैंने सेशन तो। अच्छा हाँ, वो मॉर्निंग वाला मेरा सेशन थोड़ा मिस हो रहा है, क्योंकि थोड़ी वो बच्चों का स्टडी वगैरह का चल रहा है, अभी पेपर वगैरह है एग्जाम। अच्छा, तो उसकी वजह से वो सुबह टाइम नहीं होता। कोई बात नहीं, आपका वो बेतरन बस्ती वाले पेशेंट का कहाँ चले? बढ़िया सर, दोबारा तो नहीं आए जी, ठीक ही होंगे जब नहीं आए तो जी, पॉजिटिव ही सोचेंगे हम तो जी। और बताइए, आपका कोई एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ? एक्सपीरियंस अभी लेटेस्ट तो नहीं है कोई सर, पुरानी ही है। ठीक है, अभी तो चल रहे हैं, फिर देखते हैं, बताइएगा, क्योंकि बीच में ड्रॉप करने वाले ही ज्यादा होते हैं ना, तो पता है कि पूरा केस हो जाए लास्ट तक, फिर मजा आता है कि हाँ ये 100% हुआ जी। तो जब ठीक हो रहा है पेशेंट लेकिन फिर भी ड्रॉप कर जाते हैं, तो फिर बीच में टूट जाती है सारी कड़ी जी, ये दिक्कत आती है सर, बाकी तो ठीक है। हाँ, हमने डॉक्टर एम, आपको थैंक यू सर। एक डॉक्टर एम वी सुशील सर आए हैं, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, मध्य प्रदेश के। सर सुशील सर, आप कृपया कोई अपना एक्सपीरियंस बताइए, आपका हम सुनना चाहते हैं, आपका इतना एक्सपीरियंस है सर। सर नमस्कार, प्रणाम सभी लोगों को। प्रणाम सर, आपका कोई एक्सपीरियंस बताइए सर। सर अभी मैं अपना एक लेटेस्ट एक्सपीरियंस बताता हूँ, इसमें मैं एक किडनी पेशेंट का, सीकेडी पेशेंट का ट्रीटमेंट मेरा चल रहा है, वो 1 साल से डॉक्टर्स ने उनको डायलिसिस के लिए बोला हुआ है,
तो अपनी दवाई से वस्ती से वो उसको डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ी, स्टेबल है पेशेंट को, कोई प्रॉब्लम नहीं, भूख अच्छी लगती है, यूरिनेशन अच्छा है और मोशन भी अच्छा पास करती है, सिरबला तेल की वस्ती चल रही है, धन्वंतरि की को भी देते हैं, रक्त रस पाचक, रक्त पाचक, मेदो पाचक, और बीपी भी रहता है पेशेंट को, वो बीपी भी नॉर्मल है। अभी सडनली वो यहाँ से हमारे भोपाल से एक करीब 200 किलोमीटर दूर है एक जगह, झांसी से पहले आता है, वहाँ के पेशेंट है वो। तो वो ट्रीटमेंट चल रहा था तो अचानक उसने मेरे को फोन किया कि सर मेरे को बहुत सीवियर हेडेक हो रहा। हालांकि वो सीकेडी की हुई थी, उसको बहुत ज्यादा सिर दर्द था, तो एनाल्जेसिक लेती थी कंटिन्यू, ज्यादा एज नहीं है, 29-30 ईयर्स की होगी, तो हमेशा एनाल्जेसिक लेती थी, उसके कारण से उसका किडनी फेल हुआ। तो उसने मेरे से कहा कि सर बहुत ज्यादा सर दर्द कर रहा। हुआ क्या था कि मेरे को शीरबला देना था, तो शीरबला खत्म हो गया था, तो मैंने एमआर से कहा था कि आप वहाँ पहुंचा देना, और रस रक्त पाचक पाउडर भी था वो भी देना था, वो उसको मिल नहीं पाया। तो केवल वस्ती नहीं देने के कारण से उसका सडन बीपी बढ़ा, और बीपी बढ़ने के बाद में उसको उसका अफेक्ट आईज के ऊपर आया, उसका आईज तो लेटरल मूवमेंट होता मसल्स, पर शायद हल्का सा सीवीए हुआ होगा, ट्रांजिएंट अटैक हुआ होगा ब्रेन में, जिसके कारण से उसका जो लेटरल मूवमेंट होता है लेफ्ट आई का, वो बिल्कुल स्टॉप हो गया, यानी कि वो बेंगी टाइप की होती उस टाइप का हो गया। उसने मेरे से फोन करके बताया, फिर मैंने उनसे कहा कि कुछ दवाई वहां पे मिलती नहीं है उस जगह पे, तो फिर अपना पतंजलि का मैंने कहा न्यूरोग्रिड ले लो और मेधावटी ले लो। हुआ क्या था, उस दौरान उसका बीपी काफी शूट अप हो गया था, उसके कारण से उसको हेडेक हो रहा था, तो न्यूरोग्रिड और आपका मेधावटी लेने के बाद उसका सरदर्द ठीक हो गया और बीपी शायद सेट हो गया हो। एंड देन फिर अभी वो मेरे पास आई तो मैंने देखा उसके यहाँ का लेटरल मूवमेंट नहीं था, तो ब्लड प्रेशर देखा तो उसका 140 समथिंग था। तो मैंने उसको वासागुड़ इत्यादि काढ़ा चालू किया, और अर्जिन टेबलेट आती है एलारसन कंपनी की, उसको दिया। अभी आई थी, एक हफ्ते पहले आई थी, तो अभी आई, उसका बीपी 120-80 के आसपास आ गया, तो नॉर्मल हो गया, सिर दर्द भी नहीं है। बट उसके आँख के लिए मैंने विधकर्म किया, मैडम माधवी मैडम और उसके बाद एक और मैडम का अपने इसमें लेक्चर हुआ था, तो मैंने देखा था विधकर्म स्थपनी से जो तो अंगुल होता है, एक एक अंगुल ऊपर और आवर्त के एक अंगुल ऊपर, और अपने जो ग्रुप पुच होता है उसके एक अंगुल लेटरली, मैंने उसका विधकर्म किया 26 नंबर से, और जैसे ही मैंने उसको विधकर्म किया, आशा उसकी आंखों से कंटिन्यू पानी भी आता था, तो विधकर्म करने के आधे घंटे के बाद उसकी आंखों से पानी आना टोटली बंद हो गया, और उसका आई का मूवमेंट भी हो गया लेटरली। अभी मैं उसको तीसरी बार के एक एक दिन छोड़ के आज वो 80-90% ठीक है। मैंने कहा एक दो बार और करवा लेना, उसके बाद फिर आप मुझे आपसे जा एक सवाल सकते पूछना हो। है कि ऐसे पेशेंट जो हैं, तो अगर उनका हाँ हाँ कभी कभी यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ गया है बहुत ज्यादा अनकंट्रोल, तो एक दो बार डायलिसिस हाँ कर सकते हैं क्या? नहीं, डायलिसिस हाँ बिल्कुल करना चाहिए डायलिसिस, अगर अनकंट्रोल हो गया और पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही हो, जैसे वॉमिटिंग सीवियर हो रहा है और पेशेंट कॉन्सियसनेस नहीं, अनकॉन्सियस हो रहा है, तो उस कंडीशन में बिल्कुल अपने को डायलिसिस करना ही चाहिए, एडवाइस करना ही चाहिए। जी एक बार डायलिसिस और हीमोग्लोबिन भी अगर मान लो बहुत डाउन आ गया है, जैसे मान लो 5-4-5 पे आ गया है, तो फिर ब्लड भी हम लोग को ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है ऐसी कंडीशन में। एक्यूट कंडीशन में तो बिल्कुल बनता है, जी डायलिसिस भी बनता है, ब्लड हमें ओवर ट्रांसफ्यूजन भी बनता है, कॉन्फिडेंस उतना में ये कम नहीं से रहना कम। चाहिए कि हम आयुर्वेद से ही ठीक हाँ हो जाए। हाँ नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, पेशेंट को देखना चाहिए, पेशेंट की कंडीशन देखना जी चाहिए। जो हमेशा डायलिसिस की स्पेशल इंडिकेशन है ना, हेलो, जी हाँ हाँ जी हाँ हाँ बोलिए। हाँ की स्पेशल जो इंडिकेशन है ना वो है सर, ब्लड यूरिया मोर देन 100 और जी सीरम हाँ हाँ क्रिएटिनिन लेवल मोर देन 5 और अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है और वॉमिटिंग और नोजिया और यूरिन आउटपुट मतलब उसका GFR 30-30 से कम आ गया हो, ये क्लियर कट इंडिकेशन है डायलिसिस की। अगर पेशेंट का बीपी कंट्रोल ना हो रहा हो, वॉमिटिंग नोजिया ज्यादा हो रहा हो पेशेंट को और यूरिया 100 से ऊपर जा रहा हो और उसका क्रेटिनिन मोर देन 5 हो और पेशेंट का बल के अनुसार भी देखा जा सकता सर कि कई बार पेशेंट डायबिटिक रहता है, अगर डायबिटिक पेशेंट हो तो हमें जरूरी करनी चाहिए, डायबिटिक के साथ साथ और भी कोई प्रॉब्लम जैसे कार्डियक प्रॉब्लम भी साथ साथ हो तो हमें डायलिसिस पे ज्यादा जाना चाहिए। कई बार यूरिन आउटपुट ठीक हो और यूरिया बेसिक से 100 और क्रिएटिनिन लेवल मोर देन 5 वो पेशेंट स्टेबल हो तो कोई जरूरी नहीं समझते मतलब। अच्छा एक और चीज, अगर पाइलोनेफ्राइटिस है, नॉक्टर्नल यूरिनेशन हो रहा है, रात भर उसको यूरिनेशन हो रहा है, बार बार हो रहा है और यूरिया जी बढ़ा है और क्रिएटिनिन भी बढ़ा है और बार बार यूरिनेशन हो रहा है, उसके पैर दर्द हो रहे हैं, नौशिया वॉमिटिंग हो रहा है, तो ये क्या मतलब क्या पैथोलॉजी? उस समय जरूरत नहीं है सर,
उसमें जरूरत नहीं है पेशेंट को समन चिकित्सा से स्टेबल किया जाता है। बेसिकली जो डायलिसिस का बेसिक है ना, फ्लूइड को ही बाहर निकालना, यूरिन आउटपुट बढ़िया तो फ्लूइड तो बाहर निकल ही रहा, ठीक है ना। ऐसे वैसे अक्सर कमी होता है जब यूरिन आउटपुट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यूरिया बढ़ा हुआ है, तो फिर क्या करें? कोई दिक्कत नहीं है सर, अगर पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग नहीं है, पेशेंट स्टेबल है। नोजिया वोमिटिंग भी है, वो भी है, और नॉक्टर्नल भी है, ये भी है, तब है। और पेशेंट डायबिटिक है, कुछ ऐसी डायबिटीज वगैरह नहीं है, लेकिन उसको रात को यूरिनेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, और वो रात भर सो नहीं पा रहे, और उसका अग्निमंद हो गया है पूरा, खाना नहीं खाया जा रहा है, वेट लॉस भी हो रहा है, और रात भर यूरिन ज्यादा, पॉलीयूरिया के कंडीशन में बताइए, जो मैं कफज प्रमेह बोल रहा हूँ। ऐसे तो बहुत रेयर कंडीशन के पेशेंट होते हैं सर जिसमें यूरिन फ्लो अच्छा। बेसिकली हम डायलिसिस का तो तभी सोचते हैं ना जब यूरिन आउटपुट नहीं लो जाए, जब किडनी बिल्कुल काम करना बंद कर जाए। वो तो मेरे को वो मालूम है। मैं एक डिफिकल्ट, जैसे सुशील सर बोले कि आम पाचन देना चाहिए, मुझे वो अंतर अपेक्षित था, एक्सपेक्ट था। सर ये पेशेंट का जिसका मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, उसका GFR 5 था, अब वो GFR 15 पे पहुंच गया, ब्लड यूरिया 120 130 150 190 तक गया था, अभी वो 100 के आसपास है, और ब्लड क्रिएटिनिन 14 था, अभी वो 9 के आसपास है। पेशेंट स्टेबल है, पेशेंट को कोई परेशानी नहीं है, भूख अच्छी लग रही है, यूरिन अच्छा हो रहा है, बस यूरिन में क्या फैन में है बोलती है वो, जैसे यूरिन में झाग आता था अब वो भी कम हो गया है, और मोशन भी ठीक हो रहा है, बस ये जो सडन बीपी जो बढ़ा था उसका बस्ती नहीं देने के कारण से, उस वक्त उसको रसरक्त पाचक नहीं मिला था उस कंडीशन में, और शीर वाला तेल की जो वस्ती चल रही थी करीब करीब 60-70 ml में डेली देता हूँ, वो नहीं हुआ था उस दौरान, इसके कारण से सडन उसका बीपी राइज हुआ, क्योंकि स्नेह नहीं था, जबकि सतावरी ग्रह चल रहा था, इसलिए बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ उसको, बहुत ज्यादा इन्फार्क्ट नहीं हुआ होगा, कहीं हल्का फुल्का हुआ होगा, वो डिजोल्व हो जाएगा, उसके लिए मैंने वृहता चिंतामणि रस और एकांगवीर रस दिया है, जिससे वो पेशेंट को काफी अच्छा लग रहा है, और पेशेंट को कोई भी एलोपैथिक दवाई मैंने कहा लेने को, बोल रही थी सिरदर्द की दवाई ले लूं, सिरदर्द मैंने कहा नहीं लेना है, एलोपैथिक दवाई लेने से ही तुम्हारी किडनी गई, और अभी भी कोई भी एनाल्जेसिक मेडिसिन नहीं लेना, और न्यूरोग्रिड और मेधावटी से बिल्कुल स्टेबल हो गए, उसका सरदर्द बिल्कुल ठीक हो गया, वो डोज लेने के बाद। पेशेंट का GFR 5 था, अभी 15 हो गया है, धीरे धीरे बढ़ेगा, बट पेशेंट को ऐसा कोई सिम्टम नहीं है, पेशेंट इज कंफर्टेबल, बहुत मस्त है, ऐसा लगता ही नहीं वो किडनी के पेशेंट है, जबकि डॉक्टर्स ने उसको रिपोर्ट देख के कम से कम एक साल पहले उसको डायलिसिस बोल दिया था, अगर वो डायलिसिस करवाती तो आज इस कंडीशन में नहीं रहती जैसे अभी। सर अगर पेशेंट स्टेबल हो तो डायलिसिस की इंडिकेशन नहीं होती, यूरिन आउटपुट ठीक है, पेशेंट को नोचा वोमिटिंग नहीं है, नहीं, लेकिन जो नॉक्टर्नल जो यूरिनेशन हो रहा है उसका क्या ट्रीटमेंट? सेप्सिस होगा ना सर उसको, यूटीआई, फिर वो डायबिटीज इंसिपिडस में जा सकते है ना, तो वो डेफिनेटली वो इंसिपिडस सिम्टम्स है, कफज प्रमेह होगा, उसकी समझ चिकित्सा कैसे करें वो मैं जानना चाहता हूँ। तो दोषानुसार ना सर, उसका दोषानुसार उसका हेतु जान के तो उसकी समन चिकित्सा करें, उसमें तो डायलिसिस का इंडिकेशन नहीं है। मतलब यूरिया क्रिएटिनिन अपने आप कम हो जाएगा दीपन पाचन करने से? अगर दीपन पाचन करेंगे तो रस पाचक, रक्त पाचक, गर्भ पाचक ये आपको देना ही पड़ेगा जी, दोष विवेचन, मेद पाचक, रक्त पाचक, मेद पाचक, रक्त पाचक, मेद पाचक, रस पाचक, क्योंकि क्या है ना कि आम अगर है और बद्ध मेद है, कफ है, तो सारा कफज प्रमेह की तरफ ही जा रहा है, और आम खुद ही पानी को इतना अब्सॉर्ब करता है प्यास लगते, और यूरिनेशन होता है नॉक्टर्नल, जो यूरिनेशन होता है कभी कभी ये लोग बोलते हैं मॉडर्न वाले की पाइलोनेफ्राइटिस हो गया या क्रॉनिक रीनल इन्फेक्शन हो गया, इसकी वजह से नॉक्टर्नल। पाइलोनेफ्राइटिस का तो मतलब ये होता है ना सर किडनी के अंदर इन्फेक्शन या सेप्सिस ज्यादा हो गया, कोई पस ज्यादा वगैरह आ रहा, तो उसमें तो हम समन चिकित्सा ही करेंगे ना, उसमें डायलिसिस का इतना वही ना, ठीक है ना, डायलिसिस तो हम वहां करेंगे जब किडनी ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया। पाइलोनेफ्राइटिस में क्या होता है, किडनी के अंदर इन्फेक्शन हुआ, नेफ्रोन के अंदर स्वेलिंग हो गया बहुत ज्यादा और पस पड़ना स्टार्ट हो गया, वहां पे हमने उसका 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 चिकित्सा करना है, उसमें हम तो ये सूक्ष्म त्रिफला वगैरह। मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ, मेरे पास एक पेशेंट थे वो डिप्रेशन में बहुत थे, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे, और वो डिप्रेशन की वजह से उनको नॉक्टर्नल हो रहा था, और उसकी वजह से फिर यूरिया क्रिएटिनिन भी बढ़ गया, तो डायलिसिस करवाना पड़ा, वो डिप्रेशन उनका हेतु था मेन। सर डिप्रेशन को मनोवैद्य स्रोत पे बात कर, वो काम करते हैं तो जरूरत नहीं होती, डायलिसिस तो वैसे ही पेल देते हैं ये, कई बार डॉक्टर कई पेशेंट ऐसे जिनको डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती और डायलिसिस पे
ले लिया जाता है, हमने देखा है। नाइट्रोजन काफी बढ़ा हुआ था और उसको वॉमिटिंग हेडेक सब था, लेकिन जैसे उसने लंघन किया तो अपने आप ये सारे सिम्टम से सबसाइड हो गए और वो आज मेरे ख्याल से 5 साल हो गए ठीक है, मतलब कोई मेडिसिन दी भी नहीं और ठीक हो गया। ये सोडियम पोटेशियम भी बढ़ा हुआ था वो पेशेंट का। सर मेरे पास एक पेशेंट थी जयपुर की, हाँ। और उसकी एज थी मोर देन 70 और हाँ। वो उसका वीक में 2 टाइम डायलिसिस होता था और मैंने उसको मेडिसिन दिया, 1 मंथ में उसका डायलिसिस बंद हो गया, आज तक नहीं हुआ, कम से कम भी 7-8 मंथ हो गया। और उसके बाद उसको एक बार हिप बोन फ्रैक्चर भी हो गया, एक बार कुछ और कॉम्प्लिकेशन हो गई, तो भी डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ी उसको। जी बहुत सारे डायलिसिस तो अननेसेसरी होती है, अननेसेसरी होती है, बिल बनाने के लिए होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जब से कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट आ गया है ना, तो वो बिजनेस के हिसाब से सोचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है। लंगन से भी हो सकता है क्या? लंगन से भी हो सकता है। सर लंगन तो तभी करना चाहिए ना, कई बार लंगन से ना थोड़ा वायु प्रकोपित होकर ना और ज्यादा ड्राइनेस है, वो लंगन देखना चाहिए ना। सुबह मॉर्निंग में बात हो रही थी, कि किसको लंगन नहीं करा सकते, अगर अगर ज्यादा धातु अक्षय है तो उसमें लंगन थोड़ा सा देख के कराना चाहिए। जी नहीं मैं ये कह रहा हूँ पेशेंट बल देखना बताए ना, उन्होंने बोले ना अधिष्ठान समीक्ष, बल और अधिष्ठान देख के तभी लंगन करना है, ज्यादा नहीं करना है। ज्यादा लंगन कराने से वायु भी प्रकोपित होता है ना, वायु फिर ड्राइनेस करेगा और किडनी को ज्यादा सुखाएगा। जी वही कह रहा हूँ, कुछ ऐसा मेडिसिन लिए बिना ही ठीक है 5 साल से। जी हाँ जी ठीक है। पवन जी आज सुबह जो टीका पढ़ के हम लोग कर रहे थे वो आपको कैसा लगा, सच सच बताइए? बहुत मस्त मजा आया सर, अरुण दत्त की और हिमाद्री की टीका पढ़ के हम ऐसा लग रहा है ये पुनर्जन्म, पहले हम भी कहीं ऋषि मुनियों के टच में कहीं ना कहीं उनके रहे हो गए, वहां झाड़ू झूड़ू लगाने वाले, तभी हम पढ़ रहे हैं जी उनके आश्रम में। जी क्या है ना, कॉलेजेस में कभी टीका वचन नहीं होता है, और होता है ना तो वो पेड होता है या फिर बहुत ऐसे वो रेस्ट्रिक्शन होते हैं, ये करो वो करो ऐसे करो, ओपनली कहीं पर भी टीका नहीं पढ़ाया जाता है वो लोग को। ऐसे मैं तो जाता था ना तो वो बोलते थे कि कोकोनस ब्राह्मण को ही हम सिखाएंगे टीका पढ़ना, हम किसी और को नहीं सिखाएंगे, तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि ये कोकोनस ब्राह्मण का कॉन्सेप्ट क्या है कि कोंकण में रहने वाले ही पढ़ सकते हैं टीका, दूसरे लोग नहीं पढ़ सकते, ये क्या क्या ये कॉन्सेप्ट है। इसलिए मैं टीका रोज पढ़ूंगा और आप सब लोग भी पढ़ेंगे और इतना मजा आता है ना, सुबह तो अंजना मैम कितना बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन दे रही थी, बहुत मजा आया आज। जी सर बहुत बढ़िया रिविजन हो रहा है 30 साल में हमारा आयुर्वेद का। जी हम लोग तो एकेडमिशन नहीं है इसलिए हम लोग प्रैक्टिस में थे, तो इसलिए हम लोग को बिल्कुल बुक से ही गर्ल कंसल्ट करते थे, बट इस प्रकार का जब संभाषा वगैरह होती तो बहुत अच्छा लगता। और बहुत ज्यादा पिछले 1 साल में जब से आयुष दर्पण से जुड़े हैं, डॉक्टर यूएस निगम से स्टार्ट हुआ था ये कोरोना के टाइम से, जी वो हमारे गुरु भी रहे, तो जब से हमने देखा फिर आपके आने के बाद नॉलेज जो है ना बहुत अच्छा रिविजन हो गया, जो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे आजकल उस फील्ड में भी सोचते हैं। जी अभी और आगे करने वाले हैं, अभी मैं ये अष्टांग हृदय का हो जाएगा ना, उसके बाद में मैं चरक का जो अलग अलग टीका है जैसे गंगाधर टीका वो आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, फिर उसके बाद में चक्रपाणी की टीका वो आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा, वो टीका हम पढ़ेंगे, हम पढ़ते जाएंगे पूरी लाइफ पढ़ते जाएंगे। वहां पर तो चरक ब्रह्मानंद त्रिपाठी की थी उस वक्त, हम उसी से पढ़ते। हाँ वो तो हिंदी वाला है ना, संस्कृत में पढ़ेंगे तो वो ओरिजिनल नॉलेज है, उसमें सारा मतलब कोड में लिखा हुआ है वो क्या कहना चाहते हैं, वो संस्कृत में पढ़ना चाहिए। जी ठीक है, आप लोग का थैंक यू पवन जी, सुशील जी आपने बहुत अच्छा डिस्कस किया। अभी और कौन बोलना चाहते हैं, डॉक्टर भाविन जी आप बताइए, भाविन जी ने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहते तो बोलिए, नहीं तो कंचन मैम आप बोलिए, अदिति मैम कुछ बोलिए, आप लोग कुछ बोलेंगे तभी तो संभाषा होगी। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम बताइए सर, वो मैं अभी MMDS वाला पेशेंट था ना उसको लाने की कोशिश कर रही थी। लाइए लाइए। हाँ मैं 2-15 मिनट मतलब वो पिकअप नहीं कर रहे फोन, मैं ट्राई कर रही हूँ। ठीक है और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। डॉक्टर नवजोत कौर मैम आपकी माताजी कैसी हैं, अगर आप सुन पा रही हैं तो हमें बताइए, नहीं सुन पा रही हैं शायद। डॉक्टर अश्विनी जी आपके भाई साहब कैसे हैं,
हेलो, हाँ जी प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए। हाँ जी सर, माता जी का थोड़ा आजकल ना, तब आज कह रहे थे हेडेक हो रहा है, कभी जैसे बॉडी एक वगैरह, टांगे दर्द हो रही थी। उस दिन वैसे मैंने त्रिभुवन कीर्ति रस दिया था 2-3 दिन, तो उससे फर्क तो पड़ा था। या तो वेदर चेंज हो रहा है उससे थोड़ा है उनको ना, जैसे थोड़े सुस्त से रहते हैं जी। ये तो है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बोला था उस दिन, हाँ जी, तो बस्ती के लिए फिर नहीं, कहते नहीं लेनी अभी मैंने, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, बाकी मेडिसिन तो ले रहे हैं, आम पाचक और रस पाचक ऐसे ले रहे हैं, लहसुन आदि वटी ले रहे हैं जी। हाँ जी सर, ठीक है। वो एक सुबह एक मैम आई थी ना, डॉक्टर मनीषा शर्मा, जिनको हैवी मेंसेस हो रहा था, तो उन्होंने चंदन मरा लाक्षा तेल का बस्ती लिया और वो नाक के शर्जुन और कुटेजा रिश लिया, तो अभी मैसेज आया कि सर कंट्रोल्ड है, रात को फिर बस्ती लूंगी। उनका मतलब कंट्रोल हो गया, बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। डॉक्टर आर के मिश्रा जी, गया के डॉक्टर, बिहार के डॉक्टर, कैसे हैं आप जी? सर प्रणाम सर, बढ़िया है सर, आपका हालचाल बा, कैसे हैं? कुछ केस बताइए सर, सब हालचाल ठीक बा सर, अपन राउर हाल, अपन हालचाल सुनाए सब ठीक बा, आप बताइए कुछ केस वगैरह बताइए सर। अभी हम बाहर आए हुए हैं तो केस वगैरह तो सर बहुत सारे इकट्ठा हो गए हैं मेरे पास, तो बताइए कुछ सक्सेस स्टोरीज, पूरा भारत सुन रहा है आपके आपके बात जी। सर एक केस है सर, टिप थोड़ा सा दिक्कत आ रही है उसमें हमको जी। 1 साल पहले उसको गर्दन में गोली लग गया था सर। गोली लग गया था जी सर जी। उसके बाद फिर वो आईसीयू वगैरह में चला गया और 20 दिन के बाद वो आईसीयू से वापस आया, ऑपरेशन वगैरह सब हो गया उसको जी। उसके बाद से उसका जो है सो कमर से नीचे उसका जो है सो पूरा जो है सो पैरालाइज्ड हो गया जी, और अभी तक उसमें कुछ है नहीं। तो अभी लास्ट मंथ से हम उसको बृहदवा चिंतामणि दे रहे हैं, कांगबीर रस वगैरह दे रहे हैं सर जी। तो थोड़ा सा तो है, फर्क आया है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आया है जी। तो एक दिक्कत है, अगर आप बोलेंगे तो कल या परसों में उसको लाइए ना सर। एज कितनी है सर? एज उसकी करीब 45 के आसपास है। और डायबिटिक वगैरह तो नहीं है? नहीं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो बस्ती दो ना सर, जो पार्ट डैमेज हुआ ऑक्सीजन में प्राप्ति हुई है उसको तंदुरुस्त करो ना ब्रहण चिकित्सा से। जी जी जी, बस यही करो और कुछ नहीं करना उसमें। तो इससे जितना ब्रहण करेंगे, जितना न्यूरॉन्स वहां का डैमेज हुआ है, रीजनरेशन होएगा तो आएगा कुछ न कुछ। जी 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 जी, ठीक है। मिश्रा जी आप उनको लेके आइए ना, हम थोड़ा केस देखेंगे ना। जी सर हम लेकर आएंगे। मर्म स्थान में शायद नहीं लगा है इसीलिए वो बच गए, मर्म स्थान में लगा रहता तो फिर नहीं रहते वो। जी सर जी सर, तो आपका आदेश लेना था, हम कल या परसों में उनको लेकर आते हैं। आपके मन की बात मैंने समझ लिया कि आप कुछ बोलना चाहते थे। देखिए मैंने, आप दिव्य आत्मा तो हैं सर, इसमें कोई शक नहीं है। दिव्य आत्मा होंगी नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे पता चल जाता है कि इनके मन में कोई प्रश्न है, तो मैं इसलिए देखिए रैंडमली बुलाता हूँ और वो सच में सच हो जाता है। जी सर बिल्कुल सर, ठीक है, थैंक यू जी। और किसी को कुछ बोलना है? एक डॉक्टर सज्जन सिंह सर आए हैं, बहुत दिन के बाद आए, लेकिन ये सर बोलते नहीं है। डॉक्टर सज्जन सिंह सर, शायद सर बोलेंगे नहीं। डॉक्टर सूर्यनारायण पटनायक जी। हाँ जी रमन जी बोलिए सर। थोड़ा सा एक केस था, वो थोड़ा उसमें गाइडलाइन भी दें और रिजल्ट भी वैसे तो अच्छे रहे जी। ये लिवर इन्फेक्शन का केस था जी। मैंने एक दिन शायद ग्रुप में डिस्कस भी किया था। ओटीपीटी लगभग उनके 4500-4600 हो गए थे जी। फीमेल है, 25 ईयर ओल्ड, और जो बिलीरुबिन था उनका डायरेक्ट वो लगभग 7 से ऊपर था। वो लगभग 1 वीक में वो 1.7 पे आ गया जी, और ओटीपीटी 100 से नीचे आ गए जी। लेकिन उससे आगे ना वो एसजीओटी एसजीपीटी। हाँ जी हाँ जी हाँ। तो अभी वो ना अभी वो बिल्कुल स्लोली नीचे आ रहे हैं उसके बाद जी। तो ऐसा क्योंकि मैंने मेडिसिन तो वही सेम ही रखी हुई है, उसमें कोई चेंज नहीं। क्या दिए थे दवाई? एज क्या था सर? क्या क्या हेतु था? एज क्या था? 25। हेलो सर, आपने क्या क्या दवाई दिया था वो तो बताइए, पूरा हेतु संपत्ति थोड़ा डिटेल में बताइए ना। वो सर हमारे ना इधर थोड़ा पानी, गंदे पानी की वजह से ना थोड़ा सारे ही फैला हुआ है पूरे एरिया में। तो लीवर में इन्फेक्शन हुआ तो हेपेटाइटिस ABC ऐसे कुछ हुआ था क्या? नहीं वो सब नेगेटिव थे, यही हुआ था, यही मान के चलो हम।
सर एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में ऐसा होता है, सडन रेज करता है एसजीओटी एसजीपीटी और सडनली डाउन आता है। तो अभी जब वो नीचे आ गया ना जी, बिल्कुल 100 से नीचे आ गया, अभी 70 पे था लास्ट, तो उसके बाद वो बिल्कुल धीरे धीरे नीचे आ रहा है। 3 दिन बाद रिपोर्टर द्वारा रिपीट कराई थी, वो बिलीरुबन पॉइंट 10 ही कम हुआ और उधर ओटीपीटी भी वो 10-10 ही कम हुए दोनों। मेडिसिन उनको दिया था मैंने, स्वर्णमाक्षिक के साथ ताप्यादी लो ऐड करके दिया था, साथ में रोहित का रिस्ट और कुमारिया सब है, रोग्यवर्धनी वटी है। सर इसमें कोई अगर चिकित्सा भी करे जैसे बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हुआ है आप ना? सबसे अच्छा है वो तुलसी का जो पत्र का स्वरस में बताता हूँ ना, एसजीओटी एसजीपीटी 50 ml सुबह 50 ml शाम को आरोग्यवर्धनी के अनुपान में तुलसी का स्वरस दे दीजिए अनुपान में। ठीक है जी, इमीडिएट कम हो जाएगा सर। जी सर, वो अगर द्रव्य भी है और उसमें ताम्र भी रहता है और एसजीओटी एसजीपीटी के लिए वायरल इन्फेक्शन के लिए बेस्ट दवाई है तुलसी का स्वरस। जी सर, हाँ वो रोग्यवर्धनी तो चल रहा है लेकिन उसे ऐड कर दूंगा ये वाला बस। हाँ। क्योंकि वो नीचे आके बिल्कुल स्लो हो गया, स्पीड ऊपर से तो बिल्कुल फास्टली नीचे आया। सर कुटकी और ऐड करो, कुटकी ऐड करो ना, कुटकी और ऐड करो अलग से ऐड करो, कुटकी ऐड करो और उसमें थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में दो, क्योंकि और दूसरा क्योंकि पित्त का ज्यादा स्त्रावण होगा और ज्यादा वो बाहर निकलेगा, लिवर पे लोड कम होगा और उसमें सोडा वर्ग के द्रव्य भी जैसे सूत शेखर रस और ये काम दूधा रस ये भी ऐड करें थोड़ा। जी सर। सर एक चीज और थोड़ी पूछनी थी, इसमें जैसे हम इसको कैसे देखेंगे क्योंकि उसको ना कोई भी बाहर से लक्षण नहीं था, ना स्किन पे कोई कलर, ना आंखों में कोई, ना सर एक्यूट में ऐसा ही होता सर, एकदम एक्यूट में ऐसा ही होता है। यूरिन भी येलो नहीं आ रहा उसको, उसमें एक्यूट में सर ऐसे सिर्फ पेशेंट को क्या रहेगा, नोजिया रहेगा थोड़ा सा और हैवीनेस रहेगा और लिथार्जिक थोड़ा सा रहेगा पेशेंट। हाँ बस ऐसे ही था बस, उसके अलावा और कोई सिम्टम नहीं आ रहा, दो होता नहीं है, भूख भी खुल गई है, पूरी मांग रही है खाने को कि दो दो दो। जी हेलो सर, इसमें भू आम्ली की 2 ग्राम 2 सुबह शाम नाइरोसिल टेबलेट आती है जी, और नाइरोसिल टेबलेट आती है भू आम्ली की पाइलेंथस निरोधी, वो 2-2 गोली सुबह शाम देंगे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, आप देख के देखिएगा अगर हो तो। सेलोमिक्स कंपनी की है ये, दुपापेश्वर की सिस्टर कंसर्न है उसकी आती है, वो आप ऐड कीजिएगा इसमें तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ब्रश भी दे सकते हैं सर कुछ भी, 3-4 ड्रग्स होती है, पुनर्नवा है, भूमि अम्ल की है, कुटकी है, यही बेसिकली रहता, कासनी है वो डॉक्टर उनका काम। जी सर ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, आप इतना करिए सर और बताइएगा। जी सर थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर संजय गुप्ता जी आपने हैंड रेज किया है, कुछ पूछना चाहते हैं क्या? हाँ सर, हमारे बड़े भाई साहब हैं, उनको लंबे समय से शुगर और बीपी की शिकायत है। क्या के उनको लेके आए हैं आप? जी जी लेके आए हैं यहीं पे। इनको वीडियो ऑन करने को बोलिए, हम लोग जी जी यहीं पे हैं सर, यहीं पे हैं। नमस्कार। हाँ प्रणाम, रुके मैं आपको स्पॉटलाइट करता हूँ, यहाँ कुछ तो, 1 मिनट रुक जाए बस। इनका केस टेकिंग कौन करेगा? मोनिका मैम आप करेंगी, शशि तिवारी मैम, कोई तो करिए केस टेकिंग प्लीज। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। हाँ जी सर मैं करती हूँ। आप केस टेकिंग करिए, डॉक्टर संजय गुप्ता जी वीडियो ऑन करिए। हाँ केस टेकिंग करेंगी शशि तिवारी मैम जी। हाँ जी सर, क्या परेशानी है आपको? हेलो, आई एम ऑडिबल? आवाज नहीं आ रहा। हेलो, आवाज आ रही है आपको सर? हाँ जी सर, आवाज मेरी आ रही है आपको? हेलो, आवाज आ रही है क्या? कुछ तो प्रॉब्लम है वहां नेटवर्क का, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है हमारी आवाज? डॉक्टर संजय गुप्ता जी हमारी आवाज आ रही है क्या? आप अपना अनम्यूट करिए, आपकी म्यूट है, डॉक्टर संजय गुप्ता का म्यूट दिखा रहा सर।
वो सर अनम्यूट नहीं हुए हैं अभी। अनम्यूट करिए, अनम्यूट। आपकी आवाज नहीं आ रही है, इनको अनम्यूट करिए। म्यूट किया हुआ है आपने, फिर से म्यूट कर दिए। अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट करिए। नहीं, इनको करने नहीं आ रहे, अनम्यूट करिए प्लीज। सर माइक का निशान बना है ना, उस पे क्रॉस आ रहा होगा, उसको ऑन कर दो। हाँ अभी कर दिए, अभी कर दिए। हाँ जी बोलिए बोलिए, अभी आ रहा है आवाज। अभी आ रहे हैं, बताइए आपकी उम्र कितनी है। अभी फिर आपने वीडियो ऑफ कर दिया, वीडियो ऑन करिए ना। हाँ बराबर बराबर, अब ठीक है, एकदम परफेक्ट है। हाँ सर बताइए सर, अब बताइए सर आपकी उम्र कितनी है। हेलो, फिर से आपका म्यूट हो गया, फिर से म्यूट हो गया। आप बार बार उसको छेड़िए मत, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। जो माइक वाला स्विच है वहां पर म्यूट अनम्यूट ऑप्शन आता है, अनम्यूट करिए उसको। हेलो, नहीं उन्होंने म्यूट ही कर दिया है। हाँ अब आवाज सुनाई नहीं दे रही कुछ उधर से। अब आ रही है क्या आवाज हमारी? हेलो, अब आवाज आ रही है। वॉल्यूम बढ़ाइए, वॉल्यूम। आवाज आ रही है क्या? हमारी आवाज सुनाई दे रही है आपको? नहीं, उनको कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। आप एक काम करिए संजय गुप्ता जी, एक बार आपने लीव करिए सेशन। रुकिए, मैं इनको ना वेटिंग रूम में रख दिया हूँ, अब इनको एडमिट करता हूँ तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। अभी ज्वाइन हो जाएंगे ना तो अपने आप आवाज आएगा सर। हाँ डॉक्टर संजय गुप्ता जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो कृपया आप अनम्यूट करिए। डॉक्टर संजय गुप्ता जी कृपया अनम्यूट करिए, आप सुनाई दे रहे हैं? जी हाँ सर, सुनाई दे रहा है सर। हाँ आप शशि मैम पूछेंगी उसका उत्तर दीजिए। जी जी हेलो जी मैम, नमस्कार। जी सर नमस्कार सर। सर एक बार बताइए सर अपने बारे में, अपनी एज बताइए, नाम बताइए सर। मेरा नाम अजय गुप्ता है और जी मेरा 51 एज है। जी सर। और मैं काफी समय से करीब 11 साल से ब्लड प्रेशर और शुगर के पेशेंट हूँ जी। और हमारा किट 9 भी, चूंकि हमारा किडनी जो है पॉलीसिस्टिक है तो मेरा ये जेनेटिक है और जो है इस कारण से मेरा किट 9 भी बढ़ा हुआ है। कितना है सर किडनी? किडनी जी अभी हमारा आज मैंने टेस्ट कराया है तो किट 9 2.46 है जी। जी और बीपी शुगर आपने बताया कि आपको 11 साल से है। जी जी। और कितना रहता है सर, 3 साल की जो एवरेज शुगर आती है वो कितनी आती है? सर हमारी अभी तो शुगर तो अभी हमारा ठीक है। अभी इस टाइम हमारा जो शुगर है आज जो मैंने कराया है, शुगर का ये शुगर जो मैंने कराया है ये अभी फास्टिंग 99 है और पीपी 124 है जी। और 3 साल 3 महीने का जो एवरेज आता है HbA1c वो कितना है? 3 महीने का एवरेज जो आता है वो 5.7 है जी। ठीक है, तो सर आप उसके लिए कोई दवाई लेते होंगे ना शुगर के लिए? जी हाँ, शुगर के लिए मैं एक टेबलेट लेता हूँ ट्रेजेंटा 5। ठीक है जी। जी एक टेबलेट लेता हूँ जी। और ये जी, आपको 11 साल पहले शुरू हुआ था, अभी अभी आपने एज अपनी बताई 51 जी। 51 ईयर, ठीक है जी। ठीक है अच्छा, और अभी आपको पेशाब में कोई तकलीफ हो रही है, कुछ यूरिन आउटपुट बाहर निकलने में कोई यूरिन? और मैंने जो बनाया अभी जो रिपोर्ट आई है इसमें हमारा जो है पेशाब में प्रोटीन भी आ रहा है थोड़ा। प्रोटीन कितना है जी? प्रोटीन 10 है और यूरिया 49.80 है
और यूरिक एसिड 7.0 है जी, और क्या है प्लेटलेट्स हमारा काफी लेकिन डाउन है, प्लेटलेट्स क्या बना जा रही है 51,000 ही प्लेटलेट्स है। सर आप बीपी के लिए क्या क्या दवाई लेते हैं? जी बीपी के लिए जो दवाई अभी हम पहले हम बीपी के लिए जी पहले टेलमा 40 और सेलाकार 10 ले रहे थे जी, तो या इधर एक डेढ़ महीने से मेरा बीपी फिर अनकंट्रोल थोड़ा बढ़ने लगा, पहले ठीक रहता था तो बने लगा, तो डॉक्टर से जब मैं दिखाया यहाँ पे तो इन्होंने हमें थोड़ा चेंज किया, इन्होंने हमें क्या है नेवी स्टार 5 और क्या है मिनी प्रेस एक्सेल और सेलाकार 20 दिया जी। सर आवाज कट गया थोड़ा आपका। सेलाकार 20 और प्लाजो मिनी प्लस मिनी प्रेस एक्सेल। हाँ जी जी मिनी प्रेस एक्सेल कितने एमजी है सर? ये एक्सेल ही है, एमजी नहीं है, मिनी प्रेस एक्सेल है। प्लाजो सीन 2.5 एमजी है, 5 एमजी है ये तो पता है, प्रेस जो प्रोसीन रहता है उसमें 2.5 एमजी या 5 एमजी का? मैं अभी एक सेकंड में बता रहा हूँ, देख के इसको कितना एमजी है ये तो मैंने देखा नहीं। ये नेवी स्टार 5 है जी है और सेलाकार 20 है। ये सेलाकार और ये प्रोजोशिन है 2.5 एमजी है सर, नेवी प्लस मिनी प्लस ठीक है सर। सर एक बार खाने पीने का बताइए सर, भूख भूख कैसी लगती है आपको? भूख तो ठीक लगती है, बहुत ज्यादा भी लगती है लेकिन ठीक लगती है, भूख तो ठीक लगती है। और खान पान तो हमारा नॉर्मल ही है, खाना तो ज्यादा तेल मसाला वाला नहीं लेते रहे। एक बार सर वो 11 साल पहले जैसे आपको जब बीपी शुगर ये सब हुआ तो आपका ज्यादातर खान पान किस तरह का रहता था? मतलब एक तो पहले आप करते क्या है, क्या प्रोफेशन रहा है आपका? मैं तो मेडिसिन आयुर्वेदिक मेडिसिन से रिलेटेड ही वर्क है हमारा जी, इसी की बिजनेस है। सर क्या आपका मतलब डिस्पेंसिंग का है, केमिस्ट हैं आप या मैन्युफैक्चरर या क्या ऐसे? मैन्युफैक्चरर हैं जी, आयुर्वेदिक मेडिसिन जी। क्या 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 बनाते हैं सर? हम सारा अभी जॉब वर्क करते हैं ज्यादातर, लीवर सिरप भी बनाते हैं ये, और हमारा जो है स्किन पे भी 5-7 मेडिसिन स्किन का भी है, अर्थराइटिस के लिए भी है जी। जी तो सर उसमें भी आपका खान पान का समय एकदम निर्धारित है या आपको भूख लगती है तभी आप खाते हैं, किस तरीके से खाते हैं सर आप? खान पान का तो समय निर्धारित ही है, सुबह 9:30 मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लेता हूँ, 1:30 में लंच है और फिर 8:30 से 9 PM के बीच हमारा जो है डिनर हो जाता है जी। जी और इस बीच कुछ भी नहीं, 9:30 से लेके 1:30 तक बीच में कुछ या उसके बाद डिनर के बीच में? बीच में कभी कभी जो है ग्रीन टी या कुछ हल्का फुल्का कुछ आ गया ले लिया, ऐसा कोई वो नहीं है। और शाम को 5-5:30 बजे जब मैं आता हूँ फैक्ट्री से तो थोड़ा सा हल्का सा नाश्ता में के रूप में भुना हुआ चावल और चने का भुना हुआ थोड़ा सा देता हूँ, चिड़वा टाइप में ले लेते हैं। जी 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 और सर पेट साफ होता है, मल शुद्धि ठीक से होती है? सर पेट में मैम मेरा थोड़ा सा दिक्कत है, कंस्टिपेशन ही रहता है सर। शुरू से ऐसा है आपको या अभी होने लगा है? नहीं ये अभी होने लगा है, पहले हमारा पेट ठीक रहता था, अभी करीब 3-4 महीनों से ये प्रॉब्लम थोड़ा सा हुआ है कि हम कंस्टिपेशन रह रहा है और गैस भी थोड़ा सा बनता है। गैस भी बनता है क्या मतलब, खाने के बाद पेट फूला फूला सा महसूस होता है? ना ना वो सब कुछ नहीं होता है, सिर्फ हल्का सा कभी कभी डकार 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 आता है, काफी डकार आता है और इससे लगता है कि डकार ही आता है, मुख्य रूप से डकार बहुत आता है, लगातार डकार आता है।
और छाती में जलन वगैरह ऐसा तो नहीं होता? हाँ कभी कभी जलन भी होता है, कभी कभी होता है, कोई सर रेगुलर नहीं होता। और थोड़ा इससे पहले कुछ दिन पहले थोड़ा सा थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो ठीक है, थोड़ा हमें ये क्या सर्वाइकल का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो ये तो एक्सरसाइज वगैरह किया तो अभी सर्वाइकल का उतना तो दिक्कत नहीं है। उसमें सर क्या पेन होता है या चक्कर आते हैं? हल्का सा चक्कर आते हैं बस जी, पेन नहीं होता। ओके सर। सर पानी कितना पीते हैं हम दिन में, दिन भर में कितना पानी? पानी तो पहले ठीक ठाक पीते थे, अभी पानी कम थोड़ा कर दिए हैं, वो कैफीन थोड़ा बढ़ा है ना तो पानी थोड़ा कम कर दिए पीना, तो भी मान लिया जाए पूरे दिन में 1.5 से 2 लीटर पी लेते हैं। और सर पहले कितना पी लेते थे? पहले तो 3-4 लीटर पी लेते थे जी, 3 लीटर। प्यास लगती थी या ताकि सिस्टम शुद्ध रहे इसलिए पीते थे? प्यास लगती थी सर? प्यास लगती तो भी पीते थे थोड़ा सा, वैसे भी पी लेते थे, प्यास तो लगती थी थोड़ा जी। नींद ठीक आती है सर? नींद थोड़ा इधर कम हुआ है, पहले तो नींद ठीक आती थी, नींद थोड़ा इधर कम, नींद में भी थोड़ा सा कमी आई है, टेंशन थोड़ा सा बढ़ा है, इसके अंदर नींद भी कम। कितने टाइम से कम हुआ सर? 3-4 महीने से? हाँ ये 3-4 महीने से थोड़ा सा ज्यादा इधर परेशानी है जी। सर हीमोग्लोबिन कितना है आपका? हीमोग्लोबिन 10.80 है जी। सर ये पहले भी इतना ही रहता है या आपका पहले तो ज्यादा होगा ना? नहीं इधर इधर कम है, लेकिन हाँ इधर कम से करीब 1.5 साल से इस तरह का है, इतना ही है 1.5 साल से, 10-10.5 ऐसे ही है। हाँ और प्लेटलेट्स बहुत कम हो गया इधर, पहले 80 और कम हो गया, 51 हो गया, 51 ना है 51,000 है। कोई स्मोकिंग जी? स्मोकिंग या अल्कोहल की कोई हिस्ट्री तो नहीं सर, अल्कोहल लेने की या नहीं? स्मोकिंग तो एकदम नहीं है, लेकिन अल्कोहल थोड़ा बहुत पहले लेते थे, लेकिन 1 साल से वो भी छोड़ रखा है। कितने साल पिया? कितना लेते थे और कितना टाइम तक लिया सर? अल्कोहल तो मैं करीब 20 साल तक लिया, और करीब वही कम से कम तो ठीक ठाक यानी कि 250 ml तक लिया। और उसके साथ खाने में कुछ? उसके साथ खाने में जो स्नैक्स वगैरह तो मैं खूब खाता था। क्या वेज नॉन वेज वगैरह कुछ? हाँ नॉन वेज भी लेता था, नॉन वेज के साथ भी और फ्रूट्स के साथ भी, या फिर नमकीन वगैरह के साथ भी जी। और कितने अब आपने कितने टाइम से छोड़ दिया ये? 1 साल के करीब, 1 साल से। जी और इसके अलावा कुछ स्ट्रेस जी? इसके अलावा कोई आपको पहले प्रीवियस कोई स्ट्रेस मानसिक तनाव या कोई बीमारी कोई टाइफाइड कोई फीवर? एक्चुअली हमें एक बार डेंगू भी हुआ था, और उसके बाद हमारा जो है एक सर्जरी भी हुआ है, एर्थ्रोप्लास्टी। और एर्थ्रोप्लास्टी होने का रीजन रहा है कि थोड़ी सा हमारे जो है आर्थ्रोप्लास्टी सर जी जी इरेथ्रोप्लास्टो जी जी इरेथ्रोप्लास्टी, तो वो जो है हमारे गालफरा से जो है वो निकाल करके वो नली पे वो लगाया है ऑपरेशन से, ओपन करके ओपन ऑपरेशन हुआ। इससे पहले हमारा एक ऑपरेशन सर्जरी और हुआ था स्टोन का, तो स्टोन के सर्जरी होने मैंने गंगाराम में कराया था, तो वहां से फिर क्या हुआ कि उन्होंने जो लेजर ऑपरेशन किया था तो उससे थोड़ा सा यूरिन की नसें थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसी कारण से हमें ये कराना पड़ा था, ये फिर ऑपरेशन कराना पड़ा था, यूरेथ्रोप्लास्टी। ओके यूरेथ्रोप्लास्टी ठीक है। और थोड़ा सा हमें प्रोस्टेट की भी थोड़ा दिक्कत है, प्रोस्टेट भी थोड़ा है, तो उसके लिए कितने टाइम पहले हुआ था ये हो गया जी हमारा जो ये ऑपरेशन हुआ 1 साल हो गया, 1 साल ये हमारा हुआ था, कितना तारीख है ये डेट 26 अप्रैल 21 में हुआ था, 1 साल होने जा रहा है जी।
सर प्रोस्टेट का क्या बता रहे हैं आप? प्रोस्टेट भी का भी है हमारे प्रॉब्लम का, प्रोस्टेट का भी है, इसके लिए हमें काउंटी क्या बताइए काउंटी फ्लोट टी ले रहे हैं एक कैप्सूल रात में जी, और थायराइड भी है थोड़ा, तो थायराइड का भी थायरॉक्स 88 ले रहे हैं। कितना सर, कितनी पोटेंसी? 88। थायराइड कब से है? थायराइड भी जी 5-6 साल 7 साल से। अच्छा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर सारे ही हैं? सारे हाँ, वो मैम इसका यही है, सारे हेतु तो वही है, सारा तो अल्कोहल से ही इनका सारा कुछ हुआ, और जो हेतु मेन हेतु तो वही रहा, वात की दृष्टि हुई, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके सारा इन्वॉल्वमेंट रहा। और प्रोस्टेट अभी किडनी का साइज आपका सर, उसमें कुछ अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है आपके पास? यहाँ अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है किडनी का। सर आपने किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को नहीं दिखाया? आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का तो अभी तक नहीं दिखाया जी। क्यों नहीं दिखाया सर, क्यों नहीं दिखाया आपने? आयुर्वेद का मैन्युफैक्चरर तभी तो इतना कुछ बिगड़ गया, अगर किसी आयुर्वेदा के पास जाते तो इतना कुछ होने वाला नहीं था। एक्चुअली किडनी जो प्रोस्टेट किडनी है ना, इसके कारण हमें वो कर दिया कि प्रोस्टेट किडनी है तो कोई ऐसा चीज है दवाई, कोई क्या मेटल वाली कोई दवाई दे दें तो उससे। किसने बोला सर, किसने बोला ये गलत है? गलत बोला किसी ने, मिसगाइड किया? अभी आपका किडनी साइज बता दो और फिर हम डॉक्टर साहब से, और किसी को कुछ पूछना है? किडनी साइज सर मुझे, दही वगैरह कितना लेते हैं? दही वगैरह रात रोज को तो नहीं खाते थे? दही वगैरह बहुत कम लेते हैं, ऐसा नहीं रेगुलर कोई नहीं है, कभी कभार अगर हुआ तो। पहले की बात है, पहले आप पहले दही लेते थे? दही पहले रात को भी लेते थे? रात को तो ऐसा नहीं है, कभी कभार अगर हो गया तो ऐसे रेगुलर रात में दही नहीं खाते थे, दिन में ही खाते थे। और दिन में सोते थे आप पहले? जी ना, दिन में कभी नहीं सोया। लेट नाइट सोना होता था? लेट नाइट तो ऐसा कुछ नहीं, कभी किसी कोई खास दिन हो गया तो हो गया, ऐसे तो लेट नाइट नहीं है। और सुबह उठना जल्दी? हाँ सुबह जल्दी उठते थे, अभी भी उठते हैं, 6 बजे तक उठ जाते हैं जी। एक्सरसाइज वगैरह वॉकिंग करता हूँ, 5-6 किलोमीटर प्रतिदिन वॉक सुबह करता हूँ। अब करते हैं 18-20 साल से करते हैं? नहीं, ये करीब 8-10 साल से, 10-12 साल से कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। रमन सर कुछ पूछना चाह रहे थे ना? हाँ जी, गुप्ता जी जो आप कह रहे थे कि कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो कितने दिन का गैप रहता है आपको, रोज जाते हो? कॉन्स्टिपेशन हाँ, टॉयलेट रोज जाते हो या गैप रहता है? रोज जाता हूँ, एक टाइम तो रोज जाता हूँ। अच्छा, लेकिन पूरी तरह पेट साफ नहीं होता ऐसा है जी? नहीं, हाँ ऐसा महसूस होता है पूरी तरह से साफ। ये कॉन्स्टिपेशन नहीं है आपको जी, है ना? अक्सर पेशेंट इसको कॉन्स्टिपेशन ही बोलते हैं, इसलिए मैंने स्पेशली पूछा है इसको। भूख लगती है सर? रमन सर भूख लगती है कि नहीं पूछा? हाँ मैम, भूख बताया इन्होंने, लगती है बहुत ज्यादा सर, लगती है, लगती है। ओके, क्या किया जी आप, कुछ कह रहे थे? बात कफज पर करती है इनका, बात दोस्त हेतु से बात दोस्ती ना, ये नींद बराबर लेते हैं जी? नींद जी बराबर आता है, नींद लेते हैं, लेकिन वही इधर इधर कुछ नींद कम आ रहा है। गुड इवनिंग, लोगों ने बनाया एम्बुलेंस बीमार जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप क्या? ठीक था मम्मी, सोए रहे? गीता मैडम आप कुछ पूछना है बेटा? कपड़े भी चेंज किए दादी के? सर एक बार इनको म्यूट कीजिए। किडनी का साइज नॉर्मल है, 17.52 × 7.45 और दूसरे का है 16.4 cm × 7.56। ये आपके लिए सर प्लस पॉइंट है। गुड इवनिंग जी। खाना वाना कुछ नहीं खाया?
दिन में खिला गई थी खिचड़ी थोड़ी सी खिला गई थी तीन चार चम्मच मस्ती निकाली मस्ती भी देख गई गीता मैम प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्रोस्टेट जो है हमारा वो 36.94 है जय राम जी की अभी हो गया अभी, था, अभी तो इधर कराए हैं तभी कैसे अभी ये रात को कितनी बार आपको यूरिन के लिए उठना पड़ता ठीक हो जी रात को यूरिन के लिए कितनी बार जाना पड़ता हाँ सो ही रहे यूरिन के लिए दम तो है ही है रात को यूरिन रात को एक से दो बार एक से दो बार जाना पड़ता फ्लो ठीक रहता जोर तो नहीं लगाना पड़ता पहले फ्लो तो थोड़ा सा जब फ्लो ठीक रहता है बीच में जो है ना ये जब हमारा जो पहले फ्लो खराब हो गया था सर्जरी के बाद जब सर्जरी कराया तो फ्लो ठीक कराऊंगी ब्लड लगाऊंगी टेस्ट नहीं कराऊंगी गीता मैम को अनम्यूट कराओ ना गीता मैम गीता मैम गीता मैम आप अपने क्लिनिक की पेशेंट की हमें आवाजें सुना रहे हो ये पता नहीं क्यों ऑन ही क्यों करते हैं ना ये सुनते हैं ना ये कुछ कर रहे होते हैं I don't know सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं मैडम सर जो अनम्यूट करो ना सर हेलो ठीक ठाक हो खाना क्यों नहीं खा रहे हाँ खाना भेज दो मैम खाएंगे अब बताओ क्या अरविंद सर प्लीज म्यूट कर दीजिए इनको गीता मैम को कर दिया सर ने कर दिया स्ट्रिक्टली इंडिकेशन करो म्यूट कर लिया सॉरी 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 मैम सारा केस खराब कर दिया आपने आज मोनिका मैम जी सर बस और किसी से ट्रीटमेंट और किसी ने कुछ पूछना हो तो जल्दी से पूछे फिर ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे इनका हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर अभी हाँ डिस्कस कर लेते हैं सर काफी कुछ पूछ लिया हमने फाइनलाइज तो हो गया क्या है कमी हाँ जी किसी को कुछ स्पेसिफिक अंजना मैम कुछ पूछना है तो बताइए मैम अभी मैम भी शायद बिजी है मैम आपने पूछा अच्छा, है अच्छे से पूछा है इसी पर डायग्नोसिस हम बन जाएगी है ना फिर हम लोग डिस्कस मैम ठीक है जी मैम जी मैम जी मैम ओके मैम ठीक है सर फिर इनको लीव करा दें पेशेंट को क्या हम डिस्कस कर लें पाठक सर कहाँ गए हैं पेशेंट देख रहे क्या ऐसा ही लग रहा है वो बिजी है शायद से ये गुप्ता जी अभी हैं क्या लाइन पे या इनको बोल दें लीव करने के लिए चलिए फिर डिस्कस ही कर लेते हैं है ना पवन सर जी जी मेरे को तो मैम वात कफज दुष्टि लगे इनको वात कफज दुष्टि उसी में ही सारा हम इसको पहले दीपन पाचन से स्टार्ट करेंगे जी दीपन पाचन से स्टार्ट करके फिर इसको इसको बस्ती उसमें थोड़ा शोधन करेंगे उसका दीपन पाचन करने के बाद अगर क्लासिकल शोधन हो जाए तो दी बेस्ट रहता है उसमें और फिर उसके बाद समन चिकित्सा करे तो मैं सोचता हूँ ज्यादा बढ़िया रिजल्ट रहेगा द्रव्य तो सारे यही हो गए मैम सर्वतो भद्रवटी है रस पाचक है रक्त पाचक है मेद पाचक है क्योंकि पॉलीसिस्टिक किडनी है ना उसमें मेदोदुष्टि ज्यादा हुई है हमने मेद को सप्रेस करना है और क्लीनिंग करना है बॉडी से और बॉडी का स्नेहन करना है वस्ती है वक्षी वस्ती इसमें तिक्षीर वस्ती ज्यादा रहेगा क्योंकि किडनी का वहां पे स्नेहन भी करना है बात यही बेसिक सी यही चिकित्सा रहेगी बेसिक तो हमारा मेन तो फंडा यही है इनका दीपन पाचन और शोधन उसके बाद थोड़ा सा लंघन भी कराएंगे और फिर उसके बाद स्नेहन करेंगे तो बॉडी के वो सारा का सारा किडनी और ज्यादा पावर में आएगा आप लीव कर थोड़ा बताइए ना वात कफज कैसे लगा सर हाँ वात कफज प्रकृति भी इनकी वात कफज है और दुष्टि भी यही है सर वात कफज इसी का ही हमने समन चिकित्सा करनी है पहले शोधन करेंगे दीपन पाचन के बाद इनका शोधन करेंगे शोधन के बाद फिर समन चिकित्सा स्टार्ट करेंगे और बस्ती चलेगा सर इनका ठीक है ना पहले तिक्षीर बस्ती और फिर
गुप्ता जी आप लीव कर सकते हैं, संजय गुप्ता जी हैं अभी, उनको लीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जी। रमन सर आप बताइए आपको क्या लग रहा है, क्या इसमें और दिया जा सकता है, कुछ ऐड करना चाहेंगे क्या? जी मैम, दीपन पचन कुमार है ना, सनम चिकित्सा समिति इसमें चंद्र प्रभा बटिया गोक्सुरादी गूगल है, पुनर्वादी मंडोर है, इनको मंदिर में है। दीपन पाचन से शुरू करना पड़ेगा, फिर विवेचन वगैरह देके आगे डिसाइड होगा। इतना फिलहाल यही करे, उसके बाद चंद्र प्रभा बटिया गोक्सुरादी गूगल है, पुनर्वादी मंडोर है और सर्वतो बदर भट्टी है ना, हाँ नैरी के एफ पी है, ये वस्त, हाँ ठीक है ना, और यही चिकित्सा के लिए। अच्छा उसमें अक्षुदा के जैसे ये मुक्ता सुक्ति है, अकीक पिष्टि है, बहुत सारे द्रव्य है जो हम इनको यूज कर सकते हैं अपनी अपनी युक्ति के अनुसार, थोड़ा थोड़ा करके बदल बदल करके। और ये बिल्कुल एकदम सर, एक बार गुप्ता सर जी, ये आपने सर एलोपैथी का अभी आयुर्वेद की शरण में आई है और ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा आपके ब्रदर ना, विद इन टू मंथ इनको बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, इनका बॉडी का एनर्जी लेवल भी, कॉन्स्टिपेशन भी। और ये अब जैसे ना ये पानी कम ले रहे हैं, अंदर से वात इतना बढ़ता जा रहा है, सारा ड्राइनेस होता जा रहा है, ठीक है ना, और व्याधि और बढ़ती जा रही है जी सर। बेसिकली आप दीपन पाचन तो आप इनका स्टार्ट कर ही देना कल से, ठीक है ना, थोड़ा सा लंघन करें, ठीक है, और यही करें 10-15 दिन, और उसके बाद समन चिकित्सा के लिए एडिशनल उसकी दवाइयां स्टार्ट कर दे, जैसे चंद्र प्रभा भट्टी है सर, गोक्सुरादी गूगल है, पुनर्वादी मंडूर है, ठीक है ना, सर्वतो बदर भट्टी है सर, और नैरी के एफटी है, ये धीरे धीरे करके स्टार्ट कर लो। सर थोड़ा ऐड करूं मैं जी, पता चल जा रहा है। तो आप सर इनको छड़न पानी देना, एक तो पानी सिंपल नहीं देना, पानी को 2 लीटर उबालना शुरू करें, और जब 1 लीटर रह जाए तो उसको रखे पानी वही पिए, और जितनी प्यास लगे उतना पिए, कोई कम नहीं करना, कोई ज्यादा नहीं करना, अपने आप से ये खास ख्याल रखिए। अगर प्यास लग रही है तो पीना है, ऐसा नहीं करना है कि जैसे बोलते हैं मॉडर्न साइंस में कि प्यास लग रही है लेकिन पानी नहीं पीना, ऐसा नहीं करना है। और एक सर इसका ना गोक्सुर लाके ना, गोक्सुर नहीं होता, आंपा चटपटी जरूर शुरू करें इसको, यहाँ शिवा गुली का भी ऐड कर सकते हैं इसमें। गुप्ता सर जी, जी सर, 2 किलो गोक्सुर लेके आए और उसका यवकुट बनाए, ठीक है ना, रात को उसको, हाँ रात को उसको 2 चम्मच 10-20 ग्राम के करीब भिगो दे, और सुबह मॉर्निंग में उसको क्वाथ बना के ना, जैसे 1 गिलास पानी में चढ़ा लिया, 10-15-20 ml ना उसका सुबह खाली पेट पिलाई, सुबह भी पिलाई और शाम को भी पिलाई जी सर। उसमें पुनर्नवा भी ऐड, पुनर्नवा भी ऐड कर सकते हैं, पुनर्नवा भी ऐड कर सकते हैं जी जी सर। और ये इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं सर? अभी जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनाया पवन सर ने और रमन सर, हम सब लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें यही निकल के आया सर कि दीपन पाचन और थोड़ा सा दीपन पाचन के साथ साथ ही लंघन, लघु लंघन, जैसे क्योंकि वैसे ड्राइनेस ऑलरेडी है तो बहुत ज्यादा लंघन नहीं कर पाएंगे, साथ में शोधन और फिर वस्ती, तिक्तक क्षीर वस्ती वो देके और शमन चिकित्सा शुरू करें सर। इसके अलावा से जब अभी इनको बोला कि षडंग पानी है या पंचतृणमूल का ये पिए, पानी पिए, और जब प्यास लगे तो पिए, और चिंते कम नहीं करें, ये अभी तक इनको सर बताया, सर्वतो भद्रवती वगैरह वो सब बताया। इसके अलावा सर कुछ ऐड करें क्या? नहीं तो इनका किडनी फेलियर की तरफ जा रहे क्या सर? हाँ जी, इनका क्रिएटिनिन 2.2 है, 2.25 बताया सर, और यूरिया इनका 49.8 है, 2.46 तो और अच्छा से फायदा हो जाएगा, किडनी को बल मिलेगा, वो बोला है सर। हाँ तो सब ठीक हो जाएंगे। आप सर गुप्ता जी आप करिए जी सर, ये देखिएगा कि आप रसकल्प ना दें, क्योंकि तो रसकल्प अभी इंडिया में जो आ रहे हैं वो शोधन मारण अच्छे से नहीं हो रहा है, तो किडनी को और डैमेज ना हो जाए, तो कोई भी पारागंधक की चीजें ना दें सर। ये दूध पापेश्वर का था सर, वो तो बंदर उसमें रसकल्प नहीं है, स्वर्णकल्प है, स्वर्णकल्प अलाउड है लेकिन रसकल्प अलाउड नहीं है, सर्वतो भद्र रस में पारा और गंधक नहीं है जी। हाँ ब्रिक के अरविंद सर, हाँ जी, वो छोटा बच्चा आया है सर, छोटा बच्चा है तो ठीक है, उनको लाइए
थैंक यू संजय गुप्ता जी, पवन जी, सबको थैंक यू। ठीक है सर, धन्यवाद सर। हाँ सर, इनका जो प्लेटलेट्स कम है काफी, इसका क्या रीजन हो सकता है सर? क्या कम है सर जी? प्लेटलेट्स इनका काफी कम है, मात्र 51,000। ठीक हो जाएगा, आप रक्त पाचक मेदो पाचक दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जी जी, रस पाचक रक्त पाचक मेदो पाचक ये स्टार्ट करोगे ना दीपन पाचन करने के बाद, सब कुछ नॉर्मल आ जाएगा। हाँ। जी जी जी, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ। सर आईफोन से है शायद वो, इवान की मम्मी, आप कृपया इनको वीडियो ऑन करने को बोलिए। हाँ, मैंने किया वीडियो ऑन किया है। ठीक है ठीक है ठीक है, आप बताइए, आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप आंसर कीजिए। सर ये MMDS केस है, जैसे कि ल्यूकोडिस्ट्रोफी हुआ था तो मैंने आपसे पूछा था, तो आपने कल्याणक ग्रुत का शिरोपिशु बोला था, नाक में डालने के लिए भी बोला था नस्य। तो सर ये नेक होल्डिंग बिल्कुल खो चुका था बच्चा, अभी 2 महीने में नेक होल्डिंग तो आया है, और सर जैसे दूध पीना पूरा बंद कर दिया था इसने, तो मतलब उसको तकलीफ हो रही थी, तो दूध भी पी रहा है, थोड़ा सॉलिड फूड भी खाना स्टार्ट किया है, पर सर सब जो उसका जो रिग्रेशन है सर उसके माइलस्टोन्स में, तो पेडियाट्रिक ने उनका DNA टेस्ट किया तो इसमें एक MMDS करके डायग्नोस हुआ है सर, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन करके आया है सर, जो कि DNA म्यूटेशन की कुछ तकलीफ बताता है, तो सर इनको थोड़ा सा गाइड करिए ना प्लीज। आयुर्वेद मैम, इसका आयुर्वेद के तरीके से सोचिए, ये कुछ नहीं है सर, उल्टे सीधे। अच्छा, आप पहले ये बताइए पूरा हिस्ट्री दे कि डिलीवरी कैसे हुआ था, वो बताइए। डिलीवरी सी सेक्शन हुआ था। सी सेक्शन तो वो क्यों हुआ था, सी सेक्शन क्यों करना पड़ा? क्योंकि बेबी ने पॉटी करी थी अंदर, मेकोनियम शक हुआ ना। और कितने वेट का था बच्चा? बेबी 3.5 kg का था। अच्छा, और आपने अपना दूध पिलाया था? हाँ, 9 महीने तक उसने दूध पिया था, फिर जब ये हुआ ना उसके बाद उसने खुद से छोड़ दिया दूध लेना। अच्छा, जब ये हुआ था तब इसको फीवर या जॉन्डिस हुआ था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो है ना, एक दिन मतलब हम लोग मैं जरा काम से किचन में गई थी और वो बेड से गिर गया था। अच्छा, गिर गया था, ये चोट लगी। हाँ, तो उसको मतलब कुछ चोट उस टाइम पे ऐसे बाहर ही, तो कुछ ब्लीडिंग ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पर उसने मतलब थोड़ा ऐसे वो कुछ वो जो ऐसे वो पेट के बल खिसकता था वो उसने बंद किया, तो हमें लगा शायद डर गया है 3-4 दिन में चालू करेगा, पर वैसे वैसे करते करते मतलब सब पीछे ही सब बंद कर दिया उसने ऐसे धीरे धीरे करके। फिर उसका मतलब MRI हुआ तो उसमें वो आया कि व्हाइट मैटर का इश्यू है, ऐसे व्हाइट मैटर डैमेज है। फिर उसके बाद उसका जो DNA रिपोर्ट्स हुआ वो 2 महीने बाद आया, बट अभी 3 महीने से मतलब है ना जब से ये रिपोर्ट आया तब से हमने एलोपैथी बंद कर दिया है, अभी सिर्फ होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाई दे रहे हैं, पतंजलि की, ये डॉक्टर कांचन जी से मतलब उन्होंने जो दी है वो बोला है वो कर रहे हम, तो उससे अभी उसका सपोर्ट सीट आया है, वो अभी सॉलिड फूड खा रहा है, वो बॉटल सक कर रहा है, फिर वो है ना नेक होल्डिंग में भी उसका मतलब इम्प्रूवमेंट है, मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट है उसमें, पर उसका मूवमेंट अभी भी बंद है, मतलब वो सिर्फ पैर से साइकिलिंग करता है और साइड में लाइक राइट और लेफ्ट थोड़ा सा टर्न होता है खुद से, जैसे अगर उसको हम जमीन पे छोड़ते हैं, तो पहले तो वो जमीन पे रहता ही नहीं था, अभी थोड़ा 1-2 मिनट 5 मिनट ऐसे रहता है वो फ्लोर पे छोड़ते हैं उसको। तो कंचन मैम के ट्रीटमेंट को कितना टाइम हुआ? और कंचन मैम आप क्या ट्रीटमेंट दे रही हैं, आप बताइए। सर मैंने इनमें एकांगवीर रस, रसराज और वसंत कुसुमाकर, अश्वगंधा चूर्ण, अश्वगंधा रिष्ट और अरविंदा सब दिया हुआ है सर, और स्वर्ण माक्षिक भस्म, गोदंती भस्म, प्रवाल पिष्टि, गिलोय सब भी ऐड किया था सर। ये सब मतलब क्यों दिया वो भी तो बताइए, क्यों दिया आपने, क्या सोच के दिया? सर जैसे कि ल्यूकोडिस्ट्रोफी का उन्होंने बताया तो व्हाइट मैटर वैनिश ऐसे बता रहा था, तो मैंने सोचा कि ये कुछ क्षय संप्राप्ति लग रही है, तो मैंने इसको क्षय को दूर करने के लिए कुछ भुवन चिकित्सा करके मैंने अश्वगंधा ऐड किया था, और मुझे लग रहा था कि यहाँ पे वात का इन्वॉल्वमेंट 100% है, तो मैंने यहाँ पे इसीलिए रसराज और वसंत कुसुमाकर थोड़ा भुवन भी करे ऐसे ऐड किया था सर। तो यहाँ पे मुझे रिजल्ट तो अच्छा मिला, पर फिर कैसे ना मैंने जैसे ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो DNA की रिपोर्ट आई मेरे सामने 15 डेज के बाद। ट्रीटमेंट तो हमने स्टार्ट कर दिया था सर,
पर जैसे अभी ये जेनेटिक प्रॉब्लम हो रही थी तो पेडियाट्रिक ने तो सीधे बोल दिया कि अभी इसका ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, पर हम लोगों को तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सबसे पहले तो इन्होंने आयुर्वेदिक ही ऐड किया था, और आयुर्वेदिक ऐड करने के बाद हमें तो रिजल्ट मिल रहा था, मतलब जो नेक होल्डिंग नहीं था, जो वो जिस दिन आए थे ना मेरे पास सर, तो वो बिल्कुल उन्होंने उनके पैरों से बच्चे को मतलब नीचे रख भी नहीं पा रहे थे, इतना रो रहा था वो, कंटिन्यू रो रहा था, और वो दूध भी नहीं पी रहा था, तो वो बहुत परेशान थी उनकी मम्मी। पर अभी तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है अभी एटलीस्ट वो झूले में झूल तो रहा है, रो भी नहीं रहा, तो उस दिन इतना रो रहा था कि वो बोल रहे थे मैं संभालना मुश्किल हो रहा है मुझे, तो सर मुझे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो दिखा, तो मैंने सोचा कि सर अभी इसको और कुछ अच्छा कर सके, क्योंकि ये इनको अभी ऐसे लग रहा है ना, पेडियाट्रिक ने बोल दिया कि अभी ये बच्चा बोल नहीं सकते क्या होगा इसका, मतलब कि कुछ माइलस्टोन और अच्छा होगा नहीं होगा, ये सोच सोच के इनकी मम्मी को बहुत रोना आ रहा था। उस दिन फोन भी किया इन्होंने मुझे कि अभी क्या करूँ आगे, तो मैंने सोचा कि आपको भी बताऊं मैं ये केस, क्योंकि मैंने ये मेरे 16 इयर्स की लाइफ में फर्स्ट केस देखा सर ऐसा। मैं आपको कुछ कुछ बात बताता हूँ, बताया था ना उनके भाई की बेटी के बारे में, तो सेम टाइप का केस था जी। मेरे को कुछ कुछ चीज बताइए, पेशेंट की मम्मी, आपका पेशेंट की मम्मी है क्या? हाँ हाँ बोले बोले। आप इनको इसका हाथ पकड़ने का कोशिश करिए, पकड़ता है क्या आपका हाथ? नहीं मेरा हाथ अभी पकड़ता नहीं है, मगर मतलब ऐसे पकड़, मतलब ऐसे पकड़, आप दिखाइए, ऐसे रखती हूँ ना देखो, अभी तो ऐसे पकड़ के नहीं रखी रखी, एकदम ढीला सा रखी। ठीक है, आप उसके पैर में गुदगुदी करिए, मैं रिफ्लेक्सेस देख रहा हूँ। गुदगुदी हो रही है उसको, थोड़ा पैर हटा रहा है। और एज क्या है बच्चे की? अभी 1 ईयर का हुआ यस्टरडे। और नेक होल्डिंग नहीं है अभी भी? नेक होल्डिंग है, मतलब इम्प्रूव है, पर जैसे 100% नहीं है नेक होल्डिंग। अच्छा, मतलब अभी जैसे अभी नॉर्मल होगा ना, जब जब उसको गुस्सा आएगा ना, तब वो पूरा अपना बॉडी एकदम स्टिफ कर देगा, नेक होल्डिंग छोड़ देगा, पैर पूरा बॉडी एकदम कड़क कर देगा। बट जब वो नॉर्मल रहेगा ना, जब उसको पसंद है मतलब, तो वो हंसेगा, तो वो नेक होल्ड भी करेगा, तो सब कुछ वो तब करेगा। अच्छा, आप एक चीज बताइए कि ये खाता क्या है बचपन से? ये मतलब बचपन से तो स्टार्टिंग में तो वो पहले तो दूध पे था, फिर 5 महीने बाद उसका दाल का पानी, चावल का पानी, वो सब स्टार्ट किया था। फिर 6 महीने पे से जैसे गेहूं की राह हो गई, पतली पतली पानी जैसे, सारे मतलब नाचने की राह हो गई, वो सब देते थे। फिर उसके बाद सीरा या खिचड़ी वो स्टार्ट किया था, बस वो स्टार्ट किया उसके बाद तुरंत ही मतलब ये चीज हुई, तो उसकी वजह से वो धीरे धीरे खाना सब एक पॉइंट पे ऐसा हो गया था ये चीज की उसके मुंह में वो खाना ही मतलब वो मुंह ही नहीं खोल रहा है खाने के लिए, उसको पता ही नहीं कि मुझे भूख लगी है नहीं लगी है, तो मतलब हम उसका नाक बंद करते ताकि वो सांस लेने के लिए मुंह खोलता, तब उसमें हम लोग 1-2 ड्रॉप पानी का या सूप का ऐसे डालते थे। पर अभी वो सब अभी राइट नाउ ही मतलब वो खिचड़ी खाता है, वो मतलब क्रश सब फूड क्रश करके दे रहे हम उसको, उसको 6 दांत है तो वो थोड़ा बहुत ऐसा चबाता है, सीरा जैसा खाता है, जैसे राजगरा का सीरा देते हैं, नाचनी का देते हैं, फिर मखाना देते, ममरा देते, तो वो सब उसको वो सॉफ्ट करके धीरे धीरे खाता है। ठीक है, हम आपको देख सकते हैं? हाँ। कैसी है आपका प्रकृति क्या है, आप बाता जाए पिता जाए कफा जाए, हमें आपको देखना है। हाँ। अच्छा ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि जब आप प्रेग्नेंट थी तो आपको वॉमिटिंग सेंसेशन होना, बीपी बढ़ना, पैर में स्वेलिंग आना, ऐसे कुछ था तकलीफ? नहीं, मुझे सिर्फ वॉमिटिंग होती थी, वो भी स्टार्टिंग के 3 मंथ्स, उसके बाद फिर नहीं था कुछ, ना मुझे बीपी का प्रॉब्लम है, ना मुझे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं था, आपने जैसे स्वेलिंग का बोला वो भी नहीं होता था। अच्छा, और आपके घर में किसी को कुछ ऐसी बीमारी हुई है क्या आपके? नहीं, ना मेरे पेरेंट्स साइड ना मेरे इन-लॉ साइड ऐसा किसी को कुछ भी नहीं हुआ है। तो फिर वो जो डॉक्टर्स बोल रहे हैं ना, वो केवल दिमाग में रखिए, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि इसको कुछ प्रॉब्लम है जो ये ठीक नहीं हो सकता, ये बच्चा आयुर्वेद से ही ठीक हो सकता है पूरा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको कोई नींद वगैरह का कोई इश्यू रहता था, कोई घबराहट बेचैनी ऐसा कुछ रहता था? बेचैनी ऐसा तो नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं रहता था मुझे। नींद वगैरह कोई स्ट्रेस वगैरह कुछ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी?
या आपका फर्स्ट बेबी है मैम? हाँ ये फर्स्ट बेबी है जी। और वेट भी इसका सही था, वो जो आपको इसने नर्सरी में भी रखा था इसको, जैसे मेकोनियम शक कर गया था वो? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं किया था उसको। ओके, बच्चा क्राई भी किया था होते ही? हाँ, तुरंत होते ही क्राई भी किया था। 8 मंथ तक तो मैं सब भी कुछ सोचने में भी नहीं आया, ऐसा लगा भी नहीं कि उसको कुछ मतलब वो है, वो सब कुछ अच्छे से कर रहा था। अभी एलोपैथी वालों ने कोई इसको कोई दौरे वगैरह की कोई दवाई तो नहीं दी, जैसे लेवी पिल हो गया या कुछ एप्रोएन वगैरह ऐसा कुछ हो गया? एक्चुअली मतलब नहीं, उसको तो है ना मतलब वो पूरा बॉडी अपना स्टिफ रख रहा था, उसके लिए उसको लूज करने की दवाइयां दी थी उसको। स्टार्टिंग में लाइक है ना 2 मंथ स्टीरॉइड दिया था जो अभी तो बंद है, और जब से हमें ये रिपोर्ट मिली है तब से हमने मतलब एलोपैथी दवाई भी बंद कर दी है कि हमें ये दवाई देनी ही नहीं है, जहाँ पे नेगेटिव बात है वहां पे हमें जाना ही है। उसके लिए हमने ये, और ये जो है ना मतलब डॉक्टर रंजन जी, वो हमारे मतलब एक डॉक्टर रवि भाई करके है, उन्होंने बताया था, तो वो मतलब महीने में एक बार घर पे आके विजिट करते हैं, इवान को देखते हैं, और मतलब उनके साथ एवरीडे डिस्कस होता है कि वो क्या खा रहा है, वो क्या कर रहा है। आज मतलब उसको उसका टेबल, डाइनिंग टेबल जैसा होता है ना छोटे बेबी का, उस पर बैठ के उसको खाना खिलाया, तो उस पर बैठ के खाना खाया उसने, तो पहले नहीं था ऐसा। तो ठीक है ना, कंचन मैम तो कितना बढ़िया इलाज कर रही हैं। हम एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं? सॉरी, एक्सरसाइज वगैरह कराते हो बच्चे को? हाँ, इसकी फिजियोथेरेपी चालू है और घर पे मैं मालिश करती हूँ खुद से जी, बादाम के तेल से, और बहुत सारे तेल है, मैम को अभी डिस्कस करके बताएंगे। मैं वैसे मैम बहुत मतलब इंडिया की टॉप डॉक्टर्स में से है हमारी ये कंचन मैम, और हाँ, वही कोई बताया था हमारे जो मतलब है ना जो रवि भाई, उन्होंने ही हमें कंसल्ट बोला था कि आप उनके पास जाओ, क्योंकि उनके मतलब बहुत सारे ऐसे पेशेंट थे कोविड टाइम में जिन्होंने मतलब कि डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये 24 घंटे मतलब रहेंगे, और आज वो मतलब बहुत अच्छे से सब नॉर्मल हो गया उनकी लाइफ में, जो हमारे रवि भाई करके है ना उन्होंने बताया था ये डॉक्टर पिंजन जी के बारे में। अभी पोटी वगैरह तो सही करता ना बेबी आपका? हाँ, पॉटी वगैरह सही करता है, बट जब उसको पॉटी क्लीन करते हैं तो वो बहुत इरिटेट होता है, तो मतलब वो चिल्ला के रोता है, अगर उसको नहीं पसंद है कोई चीज तो वो बहुत इरिटेट होता है। अभी उसका मतलब पहले तो उसको हम टच भी करते थे ना तो भी वो बहुत रोता था, जब अभी भी ऐसा ही है लाइक किसी अनजान के पास को जाएगा ना तो उसको टच से पता चल जाएगा तो वो रोना स्टार्ट हो जाएगा उसका। मैम इसको बॉटल फीड बंद कराओ आप, चम्मच से और कटोरी से दूध पिलाया करो, बॉटल फीड मतलब बच्चे के लिए गुड नहीं। बट एक्चुअली ये प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वो फीडिंग करता था तो लाइक उसमें कंटिन्यूटी रहती है ना बॉटल में, जब चम्मच से हम उसको दे रहे तो वो कंटिन्यूटी नहीं रह रही, तो वो बहुत रो रहा है। जैसे सॉलिड फूड हम उसको चम्मच से दे रहे हैं तो वो चबा रहा है, उसमें टाइम जा रहा है तो उसको पता नहीं चल रहा है, बट जैसे लिक्विड फूड दे रहे हैं तो लिक्विड फूड में मतलब जैसे दूध दे रहे तो वो बॉटल के अलावा किसी से पीना लाइक नहीं कर रहा। फिर आप बोल रहे हो तो मैं दिन में एक बार स्टार्ट कर सकती हूँ स्पून से थोड़ा थोड़ा देना जी। मैं वो स्टार्ट करे, और दूध कौन सा पिलाते हो आप इसको? गाय का दूध। गाय, ठीक है। गाय भी मैम वो अमेरिकन गाय का नहीं होना चाहिए, वो ब्लैक वाली का ना गाय, अगर आपने दूध पिलाना तो साहिवाल वगैरह का, अगर अमेरिकन का पिलाते तो भैंस वाले से भी खराब दूध होता है। नहीं एक्चुअली ना हमारा लाइक तो है ना 35 इयर्स ओल्ड दूध वाला है, उसका तबेला है इधर, तो उसके यहाँ से ही हमारा दूध आता है, तो गाय का दूध कैसे आता है? कल इंक्वायरी करना मैम उसकी गाय का कौन से, ये अमेरिकन गाय है या जर्सी अमेरिकन गाय है, जो बाहर की ब्रीड होती है ना वो। हाँ, हमारे हमारे लिए सातम में नहीं होता, बढ़िया नहीं होता दूध को। अच्छा ओके ठीक है। हाँ, तो पूछूंगी मैम जी। मैम से डॉक्टर सर श्रुति निगम मैम है, एक बार पूछे उनसे। श्रुति निगम मैम नहीं है, कोई बात नहीं मैं बता देता हूँ। कंचन मैम आप ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छा दे रही है, आप एकांगवी रस सब अच्छा दे रही हैं, आप एक काम करिए ये बच्चे को ना अभ्यंग और शालिशष्टिक पिंड स्वेद ये थोड़ा ऐड कर दीजिए, और दूसरा है कि महापैशाचिक घृत एक एक चम्मच सुबह शाम दे दीजिए, और 3 दवाइयां और ऐड कर दीजिए। हेलो, हाँ 3 दवाइयां और ऐड कर दीजिए, कुमार कल्याण रस, स्वर्ण मालिनी वसंत और स्वर्ण मकर ध्वज।
मतलब ये जो दवाइयां मतलब हमें बोली थी डॉक्टर ने वो 3 टाइम देने की, बट ये नहीं ले रहा है इतनी टाइम, इसलिए हम उसको दिन में एक ही बार ये दवाई दे रहे हैं, जैसे गुड़ में मिल्क मिक्स करके या मध में मिक्स करके दे रहे हैं, पर एक ही टाइम में मतलब इतना इम्प्रूवमेंट है उसमें तो अच्छा है ना, और क्या चाहिए आपको, इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है, बच्चा भी एक साल में और अच्छा हो जाएगा। सर बच्चे को नशे भी दिया जा सकता है। मैं ये भी बोलने वाला था इसको ना, बट वो नशे नहीं ले रहा, मतलब उसको नाक में कुछ डाल रहे ना तो बहुत रो रहा है, बट उसको सीरो पीछू कर रहे हैं उसके सिर पे, एक ड्रॉप या दो दो ड्रॉप केवल बच्चा तेल वो नाक में डालना है, एक या दो ड्रॉप दोनों नहीं, मैं वो बोल रही हूँ, मैं एक दो ड्रॉप नहीं, वो नहीं ले रहा है, फिर हम लोग है ना उसको मतलब ऐसे इधर जो फिंगर है ना मेरी वो घी वाली मतलब जो भी वो ऐसे एक बार कर देते। नहीं आप क्या करिए, मैं एक ड्रॉपर भेज दूंगा, वो ड्रॉपर बराबर जाता है नाक के ऊपर डाल के उसको डाल दीजिए, वो उसको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा मेरा जो तेल है ना बच्चा तेल है मेरा, वो जलता नहीं है, इजीली जाता है इजीली। अच्छा अभ्यंग, अभ्यंग कौन से तेल का बताया सर? अभ्यंग चंदनमला लाक्षादी तेल का कर दें, बहुत बढ़िया काम करेगा अभ्यंग, जितना करेंगे ना जितना मालिश करेंगे उतना बच्चे का मसल स्ट्रांग होगा, और वो जो डॉक्टर्स बोल रहे हैं ना ये नहीं है वो नहीं है ऐसा नहीं है वैसा नहीं है इरिवर्सिबल सेल इंजरी है, वो सबका दिमाग से निकाल दीजिए, और अगर पॉसिबल है तो बच्चे को 5 ml तक बस्ती दे दें शीर वाला तेल का, पॉटी के रास्ते से तेल डालना है अंदर। अच्छा दिवेल या मतलब एरंडिया का तेल या फिर कोई भी तेल? नहीं नहीं एक शीर वाला तेल होता है, शीर वाला अच्छा। तेल 101 आवर्ती वाला शीर वाला तेल होता है, वो 5 ml का जो सिरिंज होता है, 5 ml का सिरिंज और K90 का छोटा सा ट्यूब आता है, वो कैथेटर लगा के मैम बता देंगे कंचन मैम, उसको ना पुश कर देना है रात को खाने के बाद, रात को दे दिया तो वो 4-5 घंटे बाद वापस आ जाएगा, वो वापस आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉटी के रास्ते से डालना है, जितना एब्जॉर्ब होगा होगा बाकी पॉटी बन के निकल जाएगा, तो अच्छा। उसका जब करेंगे ना तो 100% बच्चा ठीक हो जाएगा, आपको 3 महीने में ऐसा लगेगा कि उसका हेड और नेक का होल्डिंग हो गया, उसको मतलब चल ऐसे मुड़ना एक सिराने करना ये सब अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा, बहुत इजी केस है मेरे लिए तो, बहुत इजी है, बहुत इजी है, इजी है मतलब जल्दी से ठीक हो जाएगा बच्चा। कंचन मैम तो अच्छा इलाज कर रही है, लेकिन मैंने थोड़ा गोल्ड की दवाइयां ऐड कर दी, कुछ घी अच्छा। देना है, कुछ नट्स देना है, कुछ बस्ती देना है बस। अच्छा ओके, तो उसके डाइट में कुछ हम लोग ऐड कर सके ऐसी कोई? नहीं नहीं जो खा रहे हैं वो खाने दीजिए, उसमें कुछ ऐड आपको करना है तो करिए, लेकिन जो वो बच्चा खा रहे है उसको खाने दीजिए। हम लोग उसको ड्राई फ्रूट का भी मतलब वो घसारा का पत्थर होता है ना उसको घिस के उसको दूध में मिक्स करके ऐसे दे रहे हैं, वो ठीक है मैम, वो आप दे सकते हो, बादाम भी दे सकते हो, अखरोट भी उसको घिस के दे सकते हो, जैसे मधु के साथ मिला के चाटन करा सकते हो। ये जो 3 दवाइयां जो ऐड कराई है ना वो छोटी छोटी गोलियां रहती है या पाउडर फॉर्म में आते हैं, उसको पीस के, ज्यादातर तो मैम के पास तो पाउडर फॉर्म में होगा, उसको ना बहुत कम कम एक एक चुटकी इतना चटाना है सुबह शाम शहद के साथ। अच्छा ओके ओके, वो करना है और थोड़ा सा घी खिलाना है, थोड़ा सा नीचे से तेल डालना है और नाक में वो मैं एक ड्रॉपर भेजूंगा और नाक में एक एक ड्रॉप डाल दीजिए, उससे एकदम इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है कंचन मैम आपका हो गया सॉल्व? जी सर। ठीक है अभी हम एक 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 सवाल था कि ये मतलब ये चीज हुई है तो क्या मतलब ये फॉल की वजह से या फिर मतलब आपको? फॉल की वजह से ही हुई है, फॉल की अच्छा। वजह से हुई है, और कोई एलोपैथी के डॉक्टर जो बोल रहे हैं उनके साइंस के हिसाब से ठीक बोल रहे हैं, वो डायग्नोसिस कर सकते हैं लेकिन इलाज नहीं है उनके पास, इरिवर्सिबल सेल इंजरी बोल देते हैं उसका इलाज नहीं है, और वो ऐसे ऐसी बातें बोलते हैं कि आप डर जाएंगे। हाँ, तो आपको लगेगा कि ठीक होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। नहीं मतलब ये फॉल की वजह से इतना मतलब इतना मेजर व्हाइट मैटर तक ये डैमेज हो सकता है? होता है। अच्छा ओके ओके ओके, थैंक यू। कोई भी कॉज रहे हम ठीक करने पे हैं, हम ठीक कर देंगे। ओके ओके ठीक है, थैंक यू। तो अभी शांति पाठ कर दीजिए पवन जी, क्योंकि हमें अभी बंद करना है, मेरे पेशेंट आ रहे हैं। पवन जी जी सर, पेशेंट को रिलीव करा दो। हाँ ठीक है, शांति पाठ तो कर दीजिए एक बार ओम का उच्चारण करके। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः
गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वग शांति शांति सामा शांति रेवा शांति रेधि ओ शांति 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 ओ। सभी व्रतगणों को शुभ रात्रि सबक है। प्रणाम सभी लोगों को, हम लोग कल मिलेंगे। सभी लोगों का धन्यवाद, कल आराम से बात करेंगे, ठीक है? प्रणाम सभी को। सुबह क्लास तो नहीं होगी ना सर? संडे सुबह नहीं होगी, कल संडे है ना, शाम को लेक्चर होंगे। तो प्रणाम से भी लोगों, पिछले संडे को सुबह 7 बजे था ना मरुदों का कुछ, तो ऐसा कोई तो क्लास नहीं है। सर का होगा, मेरा नहीं होगा। ओके सर, थैंक यू सर। तो आज है नहीं सर, तो वहां पे है हरियाणा में। हाँ तो मेरा लेक्चर नहीं होगा, अष्टांग हृदय और माधव निदान नहीं होगा कल, ठीक है? थैंक यू सभी लोगों का, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, प्रणाम सर। थैंक यू सर, प्रणाम।